Hello everyone, welcome you all in Learn to Teach with Dr. Manoti Shwastha. Hope you all are fine and safe and using your time in good thing. So student, हमने अपने पिछले वीडियो में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था और ये जाना था कि अगर मैं बीएड की बात करूँ तो चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का ये एक बेस है, चाइल्ड साइकोलॉजी का एक बेस है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक ऐसी चीज़ है जो हम अगर मैं बात करूँ तो उन सभी चीज़ों के साथ होती है जिसमें जान है, जो लिविंग ऑर्गन्स हैं सभी में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट उनके लाइफ में होता ही होता है। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बाद आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो है प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि वृद्धि और विकास के क्या क्या सिद्धांत होते हैं, क्या पैटर्न होता है, कैसे वृद्धि और विकास फॉर्मुलेट होता है, इस चीज पे हम आज बात करने वाले हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है वो किन किन आस्पेक्ट्स पे हमें देखने को मिलता है। नॉर्मली यहाँ पे इस लेक्चर के दौरान हम एक ह्यूमन ग्रोथ की बात करेंगे, एक ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करेंगे कि जो इंसान का जो बच्चा है या जो हमारी जो स्टेजेस हैं रही हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, उसमें हमें क्या क्या आस्पेक्ट्स देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला है फिजिकल डेवलपमेंट, दूसरा है आपका मोटर डेवलपमेंट, तीसरा है मेंटल तथा कॉग्निशन डेवलपमेंट, नेक्स्ट सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो ये ओवरऑल कुछ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हैं जो ह्यूमन बीइंग की लाइफ में होते हैं। स्टूडेंट्स, एस्पेक्ट्स को जानने के बाद अब हम प्रिंसिपल्स पे बात करते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग है या हमारे जीवन में जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, वृद्धि और विकास है, वो किन किन सिद्धांतों को लेके चलता है, क्या क्या सिद्धांत है इसके पीछे। तो सबसे पहला जो प्रिंसिपल है वो कहता है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। जो वृद्धि और विकास होता है वो एक सतत प्रक्रिया है, उसमें कंटिन्यूटी हमें देखने को मिलती है। जब वो स्टार्ट होती है तो तब से लेके हमारे जीवन पर्यंत तक ये चलती रहती है। रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज नॉट यूनिफॉर्म। अगर हम कंपेयर करें तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो रेशियो है या रेट है, अनुपात है, वो एक जैसा नहीं रहता है। किसी में वृद्धि तीव्र होगी, किसी में स्लो होगी। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, और सिर्फ एक ही एज ग्रुप के, एक ही टाइप के, एक ही जेंडर के लोगों में भी हमें कहीं ना कहीं इंडिविजुअल डिफरेंसेस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में देखने को मिलता है। यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न, लेकिन फिर भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के कुछ ऐसे पैटर्न हैं जिसमें कि यूनिफॉर्मिटी हमें देखने को मिलती है, जिसकी बदौलत या जिसके चलते ही हम कहीं ना कहीं ये अजम्पशन कर सकते हैं, ये प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि इन 6 मंथ जो बच्चा है वो बोलना शुरू करेगा, बैठना शुरू करेगा, इन 3 मंथ वो मूवमेंट पलटना शुरू करेगा, धीरे धीरे क्रॉलिंग शुरू करेगा। तो ये कुछ यूनिफॉर्मिटी है पैटर्न के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, जिसकी वजह से हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं। डेवलपमेंट प्रोसीड जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज, हमेशा जो डेवलपमेंट होगा वो जनरल टू स्पेसिफिक होगा। पहले बच्चा छोटी छोटी चीजों को, ईजी चीजों को सीखता है, देन उसके बाद वो क्लिष्ट चीजों की तरफ बढ़ता है। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, एक जो डेवलपमेंट होगा वो दूसरे ही डेवलपमेंट से इंटीग्रेट होगा, यानी कि एकीकरण का सिद्धांत होता है। प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, सपोज अगर किसी के ओवरऑल बॉडी में डेवलपमेंट हो रहा है तो बॉडी के हर पार्ट में इंटर रिलेशन होगा। लेग्स के साथ साथ हाथ भी डेवलप होंगे, हमारा ब्रेन भी डेवलप होगा, हमारा ओवरऑल फिजिक जो है उसमें भी हमें परिवर्तन देखने को मिलेगा। डेवलपमेंट ऑफ प्रेडिक्टेबल, जो भी डेवलपमेंट हो रहा है जैसे कि अभी हमने बात करी, उसको हम उसकी भविष्यवाणी कर सकते हैं, उसको हम पहले से बता सकते हैं, क्योंकि इसमें एक यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न हमें देखने को मिलता है। इसके साथ ही कुछ और भी प्रिंसिपल हैं, लाइक प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंटल डायरेक्शन। जो भी डेवलपमेंट हो रहा है वो डायरेक्शन में होगा, ऐसा नहीं कि अलग अलग दिशाओं में डेवलपमेंट होगा, उसमें एक डायरेक्शन हमें देखने को मिलता है। डेवलपमेंट इज स्पायरल नॉट लीनियर, जो डेवलपमेंट होता है वो स्पायरल होता है, यानी कि अगर मैं बात करूँ तो बच्चे का जब डेवलपमेंट हो रहा है तो स्पायरल, यानी कि उसके वो हर डेवलपमेंट को फोकस कर रहा है। लैंग्वेज हो गया, मोटर डेवलपमेंट हो गया, मेंटल डेवलपमेंट हो गया, सोशल डेवलपमेंट हो, तो स्पायरल, यानी कि हमारा जो ओवरऑल एक आप कह सकते हो सर्वांगीण विकास जिसे हम कहते हैं, उसको स्पाइरल डेवलपमेंट कहा जा सकता है, उस फॉर्म में हमें डेवलपमेंट देखने को मिलता है। वहीं जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, और जो डेवलपमेंट एंड ग्रोथ है उसका सीधा और 101% जो इफेक्ट है वो कहीं ना कहीं पड़ता है किस पे, हेरिडिटिकल और एनवायरमेंटल फैक्टर, यानी कि बच्चा किस एनवायरमेंट में रह रहा है और उसकी हेरिडिटिकल या जीन्स या जो भी उसके बायोलॉजिकल गुण हैं वो क्या हैं, जिसके आधार पर हम उसका जो
ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, हम उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि इसका डेवलपमेंट सही हो रहा है, गलत हो रहा है या किस दिशा में होगा। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को के, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज द अगेन बेस ऑफ चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। तो आई होप स्टूडेंट आपको प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्लियर हुआ होगा। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में और जानते हैं कि जो हमारा ब्रेन है वो लैंग्वेज और ब्रेन में क्या कनेक्शन है, क्या ब्रेन लैंग्वेज को सपोर्ट करता है या लैंग्वेज ब्रेन को सपोर्ट करती है। तो मिलते हैं इस टॉपिक के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।